विगत लंबे समय से देश भर की जनता बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी को झेल रही है, जिससे आए दिन लोगों की जेब ढीली हो रही है। बेरोजगार युवा नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, परंतु शासन स्तर पर लोगों की इस समस्या पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। काफी दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम ऊंचाइयां छू रहे हैं और खाने का तेल भी अब 200 रुपए से महंगा हो गया है। वहीं सिलेंडर भी अब 1100 रुपए का मिलने लगा है, जिससे जनता बुरी तरह से परेशान है तथा मध्यम वर्गीय परिवार को तमाम चीजें खरीदने में काफी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। वहीं देश का युवा आज तमाम शिक्षा लेने के बाद भी बेरोजगारी से परेशान है। बिना किसी नौकरी के भी युवा वर्ग को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आप पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आइए आपको सुनाते हैं महापौर प्रत्याशी रहे दीपक पटेल ने उक्त मामले में क्या कहा है। कहीं बाबा जी हम कुछ न खाब न खाए दे। अरे तोहरे तो कहू हैया नहीं आते खाने देवे। हम पंचे तो बाल बच्चेदार व्यक्ति हैं भाई। अगर बाल बच्चेदार व्यक्ति है तो अपन खेती करी किसानी करी कहाँ से पैसा खाई दे। तू अब यूरिया 1900 रुपया खाई दी है। कहानी इनकर चली महाराष्ट्र में देखी इनकर रहाई नहीं पड़ी। महाराष्ट्र में यह कहानी कह दी इनकर हर जगह यह कहानी है। यह सब देखा लागे पूरा देश। पार्टी में आने के लिए 1000 बार सोचेगा, क्योंकि यहाँ तो आ तो जाओगे। जितना आसान आम आदमी पार्टी में आना है उससे तेज गति से जो आम आदमी पार्टी लोग छोड़ के जाते हैं। कारण ये है कि ठेकेदारी करने वाला व्यक्ति आम आदमी पार्टी में नहीं जुड़ेगा, और अगर जुड़ भी जाएगा तो जेल जाने का काम होगा। ये बात जो है दोनों यहाँ से जो विधायक का चुनाव जो हारे अभय मिश्रा और राजेंद्र शुक्ला ये जानते हैं। आज आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुद्दे? आज हम सभी आम आदमी पार्टी के लोग, केजरीवाल की सेना, हम लोग इस बात के लिए जिस तरह से भारत देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है उसके लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन से लेकर धरना और क्या कहते हैं ज्ञापन देने का काम राष्ट्रपति महोदया के नाम पर करने वाले हैं। मुद्दे साफ हैं। जिस तरह से GST की दरें आपने देखा होगा कि रोज़मर्रा की चीज़ों में 5% बढ़ा दी गई हैं, वहीं पे डायमंड पे 2.5% कर दिया गया। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि देश आटा खाता है कि डायमंड खाता है। मैं जिस तरह से पेट्रोल डीजल पे लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ती जा रही है, इंटरनेशनल मार्केट में लगभग $105 $104 होने के बावजूद यहां पे जिस तरह से रेट एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर मोदी सरकार पैसा कमा रही है, मैं मोदी सरकार जी से निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप देश के यदि प्रधानमंत्री हैं, यदि देश की 134 करोड़ की जनता ने आप पे भरोसा जताया है, तो आप सिर्फ उसी मुद्दों पे चुनाव लड़े थे कि महंगाई और बेरोजगारी, आज वो मुद्दे कहां गए। और दूसरी चीज़ बेरोजगारी को लेकर है, जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर अभी परसों में भास्कर के पेपर में मैं पढ़ रहा था 60% से ज़्यादा सरकारी पदे अभी तक खाली हैं, उनके पदों की अभी तक भर्तियां नहीं निकल रही हैं। 2019-18 में जो PSC का एग्ज़ाम हुआ था अभी तक उस पर लोगों की भर्तियां तक नहीं की गई है। मैं पूछना चाहता हूं शिवराज सरकार से कि क्या आप सिर्फ विधायकों को खरीदने के लिए बने हैं? और मैं पूछना चाहता हूं कि स्थानीय शहर सरकार से और स्थानीय यहां के विधायक जी से कि क्या आप यहां के स्थानीय पार्षदों को खरीदने बस के लिए बने हैं कि जनता के लिए भी कुछ करेंगे? मोदी जी देशभक्त हैं, वो जगह जगह बच्चों के हाथ में झंडा दे रहे हैं, क्या मानते हैं देशभक्ति के जज्बा जगाने? देशभक्ति जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी इस गरीब के घर पे चूल्हा कैसे जले, कैसे रोटी बन जाए और सिलेंडर के दाम कैसे वापस हो उतनी ही जरूरी है। देशभक्ति का मतलब सिर्फ झंडा लेना नहीं होता है। देशभक्ति झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा, पर जब एक गरीब के मुंह में निवाले खाने के लिए पैसे रहेंगे तो इस झंडा देश का हमेशा ऊंचा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है।